और भाई क्या हाल चाल, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम पुणे। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:40 एंड अभी हम लोग रेडी तो हो गए हैं, सामान भी पूरा पैक कर लिया है, आपको दिखा देता हूँ। तो दोनों बैग्स पैक हो चुके हैं, मैडम वॉशरूम में अभी, और ये रहा तुम्हारा भाई रेडी फॉर द डे। तो अभी प्लान ये है कि हम पहले तो नीचे जा रहे हैं, होटल में हमारा ब्रेकफास्ट था बट हमने डिसाइड करा कि हम बाहर जाएंगे। हम थोड़े जो दोस्त तो कल हमको नहीं मिल पाए थे तो उनसे हमारा मिलने का प्लान है, दो जन से, तो उनसे मिलते हैं, आपको भी मिलवाते हैं। और वहाँ पे कहीं तो इन्होंने जगह बताई है, मेरे को पता नहीं, उन्होंने मैसेज कर रखा है तो मैं देख लेता हूँ और वहाँ पर जाएंगे। बट उसके पहले यार एक कॉफ़ी की ज़रूरत है तुम्हारे भाई को, तो नीचे जा रहे हैं होटल में क्योंकि ब्रेकफास्ट का पेमेंट तो हमने कर रखा था एनी विच वेज। तो जाते पहले कॉफ़ी पी लेते हैं और मे बी कुछ हल्का सा एक यू नो ब्रेड बटर जैम ऐसा कुछ ले लेंगे, थोड़ा सा पेट में कुछ चले जाए। अगर आप कल बाय द वे रात को जो हाउस मटी जी का अगर एक्सपीरियंस बोलूँ मैं भाई, पैसा लगता है बट वो पैसा अभी वसूल हो जाता है। अगर आपने वो वाले वीडियोज़ नहीं देखे रहेंगे तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा, तो आप ये वाले वीडियो के बाद में जाके वो देख सकते हो। बट अमेजिंग एक्सपीरियंस था हाउस ऑफ मटीची का, ऑल गुड थिंग्स टू से। और अभी तो चलो फटाफट निकलते हैं, ज़्यादा मैं बड़बड़ नहीं करता हूँ और आपको सीधा नीचे मिलता हूँ। बस थोड़ा सा सोचा यार, भूख लगने लग गई थी तो पोहा पराठा एक केला थोड़े फ्रूट्स और चाय ले ली है, दही के साथ खाएंगे और फटाफट यहाँ से खाने के बाद निकलते हैं। जैसा कि मैंने बोला पहले बाइक पे, आई थिंक हम लोग सोच रहे कि सामान जो है बाइक पे पूरा लगा ही देंगे एंड डायरेक्टली यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ से वो जगह जहाँ पे मुझे जाना है वो 30 मिनट्स है, मैं आपको बाद में मोटर ब्लॉक करते हुए सब बताता हूँ। तो गाइस निकल गए हैं हम लोग, ने पहले सोच रहे थे कि बैग सब है ना पूरा बाइक पे लगा के जाएंगे, बट फिर प्लान हुआ कि यार अब उधर जाएंगे और फिर बाइक पे ध्यान रहेगा, अदर टाइम मिल पाएंगे नहीं अच्छे से। तो फिर बैग अपने रिसेप्शन पे ही छोड़ दिया है होटल के और जाते हैं, थोड़ा दोस्तों से मिलते हैं, अन्ना करके प्लेस का नाम है एंड अभी वहाँ ही जा रहे हैं। 24 मिनट्स दिखा रहा है, वी आर स्लाइटली लेट, वो लोग यार 10 मिनट में पहुँच जाएंगे तो उनको शायद 10 मिनट हमारे लिए वेट करना पड़ सकता है। एक तो एक्चुअली दे आर कमिंग फ्रॉम वेरी फार, हमको पता नहीं था, और हम लोग इधर थोड़ा यू नो एंड मोमेंट पैकिंग और चेक्स में थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, बट कोई नहीं, अभी जाते हैं मिलते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे दोस्तों के साथ और होप करते कि जगह अच्छी रहेगी। और मतलब रेटिंग्स एंड ऑल जो मैंने देखी है लुक्स द वेरी गुड, और वो मिनी मिनी यूटिलिटीज भी है वहाँ पे, तो बाय द वे ये अच्छा है यार। आई एम नॉट श्योर लोकेशन क्या है जगह का, बट मैं क्या करता हूँ ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर मुझे जगह अच्छी लगती है जो भी मैं फीडबैक रहेगा ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ लिंक, अगर आपको जाना रहेगा तो यू गाइस कैन रेफर दैट। और यार एक चीज़ मैंने नोटिस करी, अगर आप देख सकते हो तो मेरे ग्लव्स का ये निकल गया है, तो ये थोड़ा रिपेयर करवाना पड़ेगा, आई थिंक ग्लू जो रहता है ना ग्लू निकल चुका है, बट ठीक है कोई नहीं, अभी के लिए तो एटलीस्ट इट इज़ बेटर टू वेयर इट देन नॉट टू वेयर इट। और अभी राइडिंग जैकेट पहना नहीं है क्योंकि गर्म होगा, फटाफट जाके निकलते हैं और अभी मैं डायरेक्टली आपको वहाँ पे ही मिलता हूँ। दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे हम लोग आए हैं और वो रहे हमारे दो दोस्त जिनको हम मिलने आए थे। तो बाय द वे दिस इज साइली आकाश, ठीक है आप ट्रैवल कितना हो गया अपने को, दो महीना हो गया, दो महीने के बाद हम मिल रहे हैं। तो लास्ट टाइम हम लोग एलएपी में मिले थे, आपने वो वाला अगर वीडियो नहीं देखा रहेगा दाल दो में इधर, तो आप जाके वो वाला वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। बट अभी चलो इसके साथ थोड़ा बातचीत करते हैं एंड थोड़ा कुछ खाते हैं निकलेंगे यहाँ से। तो पता तो गाइस खा पी के तो हो गया हमारा, निकलने का यहाँ से प्लान था, अभी करंटली 12:20 हो रहे हैं बट बाइक मेरी वहाँ पे खड़ी है और ये सालों लोग ने ना एंट्रेंस ही ब्लॉक कर दिया है, तो जब तक ये टैंकर नहीं निकलेगा तब तक हम भी नहीं निकल सकते। 10-15 मिनट अभी यहाँ पे वेट ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं अपने पास। तो गाइस निकल रहे हैं, वो एक बंदे की मैंने बाइक निकाल दी तो अभी वो भी मुझे हेल्प करेगा यहाँ से निकालने में। इसको थोड़ा आगे खींच सकते हो क्या? हाँ रुको रुको, ओके गाइस निकल गई फाइनली, थैंक यू सो मच ब्रो। हो थैंक यू ओके। तो गाइस निकल गए हम लोग वहाँ से फाइनली एंड इट इज़ शोइंग 23 मिनट्स टू रीच होटल,
बट देखते हैं, अगर रास्ते में अपने को पेट्रोल पंप दिख जाएगा HP वाला एज यूजुअल, तो वहाँ से अपन पेट्रोल भरवा लेंगे, क्योंकि लो फ्यूल का मुझे इंडिकेशन आ रहा था। करेंटली इट इज़ नॉट शोइंग एनी एरर इंडिकेशन, क्योंकि मे बी वो थोड़ा बोलते ना गाड़ी टेढ़ी रहेगी, उसकी वजह से भी आता है कभी कभी, बट फिर भी क्या करेंगे ना, भरवा लेंगे सेफ साइड पे, क्योंकि अपने को लोनावाला जाना है, दैट इज़ अराउंड 38-40 किलोमीटर्स फ्रॉम माई होटल। तो पहले अभी होटल पहुँचेंगे, होटल 10 किलोमीटर है यहाँ से, और देखते हैं यार, मेरे को लग रहा है हम जो है ना 12:50 पहुँच जाएंगे, तो 20 मिनट पकड़ लो सामान डालने में बाइक वाइक पे, थोड़ा मुँह हाथ धो के वहाँ से निकल जाएंगे, एंड 1 आवर शुड टेक टू रीच दी होटल इन लोनावाला। तो कल मैंने एक नया होटल जो है बुकिंग कर ली थी, डिटेल्स मैं आपको बाद में बताता हूँ होटल पहुँच के। सो होपिंग कि भाई उधर कोई इशू नहीं होगा, मैंने कल उनसे बात भी कर ली है, तो दे आर ओके विथ इट एंड दे हैव एक्सेप्टेड द बुकिंग। हो भाई साहब, बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है, भीषण गर्मी है भाई। ओहो, तो गाइस बाइक पे सामान लोड कर दिया पूरा, और पानी ये सब पी लिया है, मैं भी पूरा किटअप हो चुका हूँ, सिर्फ ग्लव्स डालने और हेलमेट पहन के निकलते हैं यहाँ से। थोड़ा चॉकलेट खा रहा था, थोड़ी सी और भूख लग गई थी मेरे को, थोड़ा थोड़ा एनर्जी हो जाएगा क्योंकि ये लंबा राइड है। अभी सीधा 1 घंटे के बाद हम लोनावला पे रुकेंगे। अभी करंटली टाइम हो रहा है 1:15, और आई एम होपिंग 2:30 बजे के पहले तो वहाँ पे अपन पहुँच जाएंगे। तो लेट्स गो, 1:17 हो गया यार, बहुत गर्मी तो नहीं हो रही है, एक्चुअली धूप है एकदम सर के ऊपर, और ऑब्वियसली ऐसे टाइम पे निकल रहे, नॉट एन आइडियल टाइम टू लीव, बट अभी क्या कर सकते हैं। ओके, मैं ज़्यादा मोटो ब्लॉग करने का मेरा ऐसा विचार नहीं है, पर अगर कुछ इंटरेस्टिंग रहा कल के जैसा, अगर कुछ हो गया तो डेफिनेटली मोटो ब्लॉग करना पड़ेगा अपने को, बट लेट्स होप कि कल के जैसा कुछ हो ना, फिंगर्स क्रॉस्ड, और सही सलामत हम लोग पहुँच जाए लोनावाला। ओके, तो अभी मैं सीधा सिटी से निकल के ही आप लोगों से बातें करता हूँ, क्योंकि सिटी में ट्रैफिक रहेगा और ट्रैफिक में मोटो ब्लॉग करेंगे, बाइक चलाएंगे इतनी धूप में, तो यू नो मज़ा नहीं आएगा। तो जब हाईवे पकड़ लेंगे तब बात करते हैं सीधा। गाइस होटल हम लोग पहुंच गए थे 2:20 के अराउंड, अभी करंटली 2:35 हो रहा है, रूम में चेक इन कर लिया है, बस अभी बाइक पे से सामान निकालना बाकी है। एंड ये प्रॉपर्टी है वैसे सिटी पैलेस रिजॉर्ट, सही है, लास्ट मोमेंट में हम लोग को मिल गया, उधर पूल है, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। और ये रही अपनी बाइक पूरा, अभी सामान निकाल लेता हूँ फटाफट बाइक में से और ऊपर जाता हूँ, एक चाय ऑर्डर कर दिए, चाय पियेंगे थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे, एंड फिर जाते हैं पूल में थोड़ी डुबकी मारते हैं, एंड उसके बाद शाम को थोड़े बहुत हमारे प्लान्स है, तो आपको जैसे जैसे दिन बढ़ता है आपको पता चलते जाएगा। ये अपना रूम है बाय द वे, 3400 का पड़ा है, थोड़ा एक्सपेंसिव है। दिस इज द वॉशरूम, ये कबर्ड दिया हुआ है एक, और ये तुम्हारा भाई दिस इज द बेड, एक डाइनिंग टेबल दे दिया छोटू सा, और चेयर है, और यहाँ पे अपनी बालकनी है। थोड़ा बाहर से देखें कुछ अच्छा नज़ारा दिख रहा है कि नहीं, इतना खास व्यू तो नहीं है बट दिस इज इट। और यहाँ पे पूल है जो मैं बता रहा था, अभी जो है जब नीचे जाएंगे हम लोग थोड़ा पूल में डुबकी मारने के लिए, तो डेफिनेटली आपको लेके चलेंगे, आई होप कि पानी थोड़ा डीप हो तो मज़ा ज़्यादा आएगा। तो अभी थोड़ा चाय आ जाती है, चाय पीते हैं, फ्रेश हो जाते हैं पहले तो, क्योंकि गर्मी में राइड करके आए भाई, पसीना पसीना हो चुके हैं। ओके गाइस, अभी टाइम हो रहा है 4:50, और आने के बाद ना चाय भी पिया थोड़ा, और चेंज करके थोड़ा सो गया था मैं, देख आई थिंक 1.5 आवर्स के लिए, क्योंकि यार 2 दिन से नींद अच्छी सो रही नहीं थी, रात भर जो अपन पार्टी कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो 2-3 बजे सो रहे थे और 6-7 बजे उठ जाते थे। तो अभी यार आज थोड़ा सोचा दोपहर को ब्रेक लिया है, थोड़ा सो लेते हैं 1-2 घंटा, और अभी पूल की तरफ आया हो, थोड़ा चेंज कर लिया जैसे आप देख सकते हो, अभी डुबकी मारेंगे और थोड़े वीडियोज़ बनाते हैं यहाँ पे। बाय द वे ये पूल है, ये एक छोटा सा आई थिंक जकूजी टाइप का, ये अभी बेबी किड लोग के लिए होगा, और ये हमारे लिए है, देखते हैं अंदर से अभी कितना डीप है। ये तो गाइस बहुत टाइम के बाद यार पूल में आया हूँ, तो एटलीस्ट 10-15 राउंड तो मारूंगा, अगर मन किया तो ज़्यादा भी मार सकता हूँ, कम भी मार सकता हूँ, पर एटलीस्ट 10-15 तो अपन मार सकते हैं आराम से,
एंड पता नहीं आई थिंक अरसा वगैरह का यार सुलूक करे तो आज थोड़ा पूरी कसर जो है यहाँ पे निकालते हैं। एंड मैडम तो पूल में नहीं आ रहे तो तुम्हारा भाई अकेला ही यहाँ पे डुबकी पे डुबकी लगाने वाला है और पूल देखोगे तो पूरा खाली पड़ा है, अपने प्राइवेट पूल जैसा एक्सपीरियंस आ रहा है मेरा। And we just sing along, and I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here? So guys, वापस से मैंने कपड़े चेंज कर लिए भाई, आज दिन भर में इतने कपड़े चेंज हो रहे ना क्या ही बताऊं। बट ये वाली जो शर्ट मेरे को अभी पहनी है, मेरे नीचे तो कमेंट में लिख के बताओ कि कैसे लग रही है ये। कल जो मुझे अगर आपने वीडियो देखा रहेगा तो हम फिनिक्स मॉल गए थे, वहाँ पे सेठ जी ने मुझे गिफ्ट करी थी, तो ये वही शर्ट है। एंड आई होप दिस इज़ लुकिंग गुड, मुझे तो बहुत पसंद आ रही है एंड थैंक यू सेठ जी फॉर द गिफ्ट। आप लोग कमेंट में बताओ कि आप लोग को कैसे लग रही है ये शर्ट। बाय द वे प्लान ये है कि मैडम ने कोई तो कैफ़े देख रखा है एंड मुझे पता नहीं कि कौन सा कैफ़े है कैसा है, तो एक सरप्राइज है सॉर्ट ऑफ मेरे लिए कि आई थिंक वो कैफ़े बहुत अच्छा होगा ऑब्वियसली देखा है तो। और उसके बाद शाम को जो है हम लोग किनारा रेस्टोरेंट जाने वाले हैं, वहाँ पे गौरव और उसकी पूरी फैमिली आने वाली है तो एक फैमिली डिनर ऑफ सॉर्ट ऑफ थिंग हो जाएगा। किनारा के रेटिंग्स तो माइंड ब्लोइंग है, मैं कभी गया नहीं हूँ तो दिस विल बी माय फर्स्ट टाइम बोथ फॉर कैफे एंड किनारा रेस्टोरेंट। तो अभी चलते हैं, पहले मैं मोटो ब्लॉग करते हुए आपको मिलता हूँ। तो हम निकल पड़े हैं हमारे होटल से एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स द कैफ़े जो मैं आपको बता रहा था। एंड अभी तो मुझे मैडम ने नाम भी नहीं बताया जगह का, तो मैं ऐसे उनके डायरेक्शंस पे राइट लेफ़्ट लेने वाला हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से जब तक थोड़ा मोटो ब्लॉग पे बातचीत कर ली जाए और थोड़ा लोनावाला की सड़कें आपको दिखाई जाए। ओके, ओ भाई गाड़ी वाला एकदम बाजू से आ गया। बट अभी मैं सोचा अभी कर लेता मोटो ब्लॉग क्योंकि इसके बाद सनसेट होने वाला है, आधे घंटे में हो जाएगा प्रॉबली एंड फिर आई डोंट थिंक मोटो ब्लॉग इतना अच्छे से हो पाएगा इधर। अभी सीधा सीधा जा रहे हैं पूरा ब्लाइंड वेटिंग फॉर द डायरेक्शंस, जब तक कुछ डायरेक्शन नहीं आएगा हम सीधा सीधा चलते रहेंगे। ओके तो और बताओ आप में से आप लोग का भी नया मैप्रो गार्डन करके लोनावाला में भी ओपन हुआ है, अगर आप महाबलेश्वर गए होंगे तो मैप्रो इज़ समथिंग बोलते हैं ना वहाँ का एक स्टार प्लेस है एंड अभी लोनावाला में भी ओपन हो गया है। तो हम लोग जाने वाले हैं मैप्रो, पहले प्लान था कि भाई दोपहर को 4:30 के अराउंड मैप्रो जाएंगे, बट भाई मेरा मुंह मन करेगा कि अभी स्विमिंग पूल में चलते हैं तो वो हमने प्लान ड्रॉप कर दिया। बट कल मॉर्निंग में जब हम यहाँ से चेकआउट करेंगे वो आपको अगले वीडियो में दिख जाएगा, तो हम लोग मैप्रो जाएंगे और वहाँ का भी दिखा देंगे कि कैसा क्या है एंड विल गिव यू फीडबैक कि आप यहाँ का है बेटर है या फिर महाबलेश्वर वाला है। महाबलेश्वर वाला तो यार अमेजिंग है सैंडविचेज एंड ऑल। तो एक बार तो हम लोग राइड करके सिर्फ हम गए थे महाबलेश्वर, गए मैप्रो गार्डन में सैंडविच खाया शेक पिया और वापस घर पे चल दिए, तो सिर्फ 500 किलोमीटर हमने टू एंड फ्रो किया था मैप्रो का सैंडविच खाने के लिए। बहुत पुरानी बात है ये, बट ठीक है। तभी क्या बोलते हैं ना थोड़ा गर्म खून था भाई राइड करने का, बहुत शौक था हमको, तो अभी 400 मीटर्स पे राइट लेना है। बट चलो अभी मैं रास्ता पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ एंड सीधा आपको कैफ़े पे जाके मिलते हैं। आई एम नॉट श्योर कैमरा पे इतना शायद खास नहीं दिख रहा होगा पर बादल जो है ना ये काले काले हुए पड़े हैं भाई। भाई बारिश हो सकती है, बारिश हो गया ना यार तो मज़ा थोड़ा किरकिरा सा हो जाएगा। बट दिस इज़ द प्लेस, अभी तो यार एम्बियंस तो बहुत अच्छा लग रहा है इनका एंड आई होप फूड और अच्छा होगा क्योंकि भाई बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। सुबह हमने मतलब जो अन्ना के इधर हमने खाया था ना वही खाया हुआ है, उसके बाद कुछ ऐसा ऐसा खाया नहीं था। और कैफे में मतलब होटल में भी हमने ब्रेकफास्ट किया था ऑब्वियसली, बट उसके बाद कुछ खाया नहीं है। तो यहाँ पे आके मस्त दबाते हैं कुछ सैंडविचेज एंड ऑल, देखते हैं कैसा जगह। गाइस ये है वो प्लेस अंदर से, मतलब एक दूसरा एरिया भी है, मुझे ये वाला थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है सेटिंग में। तो गाइस मैंने तो पहली बार देसी फोंडू मंगाया है एंड विल ट्राई एंड गिव यू गाइस कैसा है, बट अभी मैं खाने पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ और आपको सीधा बाहर मिलता हूँ। ओके तो गाइस अंधेरा हो चुका है, टाइम इज़ करेंटली 7:48 एंड यहाँ से हम लोग कैफ़े से निकल गए एंग्लो इंडियन करके आई थिंक कैफ़े का नाम था, मैं नीचे डाल दूंगा क्या नाम है डिस्क्रिप्शन में। बट करेंटली फ्रॉम सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से मीडियो का सर्विस थी इनकी, कुछ वाव नहीं लगा मुझे क्योंकि जितना लोग प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं वैसे डेफिनेटली इट इज़ नॉट अ प्रीमियम सर्विस। फूड भी ओके था, बट अगर आपको आना है एंड इफ़ यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू तो डेफिनेटली आप आके ट्राई कर सकते हो, इमेंस के लिए आ सकते हो फोटोज़ एंड ऑल खिंचाने के लिए, बट अदर देन दैट आई वुड नॉट रिकमेंड इट। बट अभी चलो किनारा जाते हैं एंड वहाँ पर मैं आई डोंट थिंक मैं ज़्यादा ब्लॉग रिकॉर्ड करने वाला हूँ, तो मोस्टली मैं आपको सीधा किनारे के थोड़े बहुत शॉर्ट्स डाल दूंगा एंड सीधा मिलूंगा आपको।
can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? क्या बोलते हो सेठ जी, कितना वेटिंग है आज इधर? एक घंटा मिनिमम। अभी जैसा सुन लिया आपने भाई, एक घंटे का वेटिंग है। तो हमने वेज में भी नाम लिखा दिया, नॉन वेज में भी दिखाने जा रहे हैं। इधर भी जल्दी आ जाओ, उधर जाके बैठ जाएंगे। और यार जगह तो बहुत अमेजिंग दिख रही है। और मतलब दिन में आते तो कुछ ज़्यादा अच्छे से आपको रिकॉर्ड करके बता पाते थे, बट अभी जो भी दिखता है वो दिखा देंगे एटलीस्ट। तो गाइस फाइनली आफ्टर 40 मिनट्स ऑलमोस्ट हमको मिल गया है। और अभी हम लोग ने टर्किश आइसक्रीम का भी यू नो ट्राई कर दिया। मैंने तो कुछ वीडियो नहीं बनाया, अपना मजाक नहीं बनाना था, बट बाकी लोगों ने बनाया। अगर मैं देखूंगा, अगर डालने लायक शॉट रहेगा तो आई माइट हैव पुट इट ऑलरेडी इन द एडिट, बट नहीं तो अभी खाना खाते हैं यहाँ पे। ज़्यादा मैं और रिकॉर्ड नहीं करूँगा, सीधा होटल जाके आपसे मिलता हूँ। ओके सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो अगले दिन की सुबह हो चुकी है, मस्त धूप खिली हुई है। बट कल रात को हम जब किनारा गए थे ना, वहाँ पे 1 आवर का वेटिंग था। एंड खाना वाना खाते खाते हमको 11:15 बज गए थे। और वहाँ से हम होटल तो हम 11:30 तक पहुँच गए थे। गौरव एंड ऑल उसकी फैमिली जो है 12 बजे तक उनके घर पे पहुँच गए। एंड आई थिंक वी ऑल्सो स्लेप्ट अराउंड 12:15 के अराउंड हम लोग सो गए। और अभी सुबह हुई है, आज प्लान है थोड़ा हमारा इधर लोनावाला में घूमने का बिफोर वी लीव फॉर होम। बट ये वाला वीडियो जो है यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय एंड टेक केयर।